समाचार में आगर बात करे तो राहुल गांधी सामे सूरत में थयेली बदनक्षी मामले समाचार सामे आवी रह्या छे। गुजरात हाईकोर्ट में दाखल थयेली अरजी पर सुनावणी ने लईने आ समाचार सामे आव्या छे। राज्य सरकार ना मंत्री पूर्णेश मोदीए हाईकोर्ट में अरजी करी छे। बदनक्षी केस में राहुल गांधी की फरी जुबानी लेवानी मांग पण तेमना द्वारा करवामां आवी छे। उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्टे मांगनी नकारता हाईकोर्ट में अरजी दाखल करवामां आवी छे। ट्रायल कोर्टना हुकम ने रद्द करवानो एचसी समक्ष मांगनी पण करवामां आवी छे। तो सूरत कोर्ट में चालती आ बदनक्षी दावा ने लईने अरजी छे ते करवामां आवी छे। कार्यवाही पर 8 एप्रिल सुधी रोक लगावानी मांगणी पण करवामां आवी छे। आ साथे सूरत कोर्टमां 8 एप्रिल सुधी अरजी पर सुनावणी नहीं थाय तेने लईने आ समाचार सामे आवी रह्या छे। तो आज मुद्दे संवाददाता दिव्या फोनलाइन पर जोड़ाई चुक्या छे। दिव्या, जे प्रकारे राहुल गांधी ने लईने आ समाचार सामे आवी रह्या छे, हाईकोर्टनी अंदर अरजी करवामां आवी छे, शुं छे समग्र मामलो? भूमित, सूरत में राहुल गांधी सामे बदनक्षी कोर्ट की दावा की अरजी है तो राज्य सरकार मंत्री द्वारा जो करवामां आवी हती। मोदी अटक ने लईने वर्ष 2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी जो निवेदनों आप्या हता राजकीय भाषणों में तेमां बदनक्षी थया होवानो दावो है कि पूर्णेश मोदी द्वारा करवामां आव्यो हतो। अने ते समग्र मामलो है जे अंतर्गत हियरिंग सूरत कोर्ट में चाली रह्यो हतो, जेमां राहुल गांधी हाजर रहेवानी कोई जरूर नहीं तेवा प्रकार आदेश है फरमावामां आव्यो हतो। जे अंतर्गत तमाम जो मामलो हतो ते ट्रायल कोर्ट ना हुकम ने हाईकोर्ट में पड़कारवामां आव्यो छे। राहुल गांधी ने फरीथी जुबानी लेवामां आवे, फरीथी तेमने निवेदन माटे बोलावामां आवे गुजरात केवा प्रकारनी रजूआत साथे राज्य सरकार मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में अरजी करवामां आवी छे। एटले के ट्रायल कोर्ट में ज्यां सुधी हवे हियरिंग जे आवशे एमां कोईपण प्रकारनी कार्यवाही नहीं करवामां आवे तेवा प्रकारनो मनाई हुकम छे ते गुजरात हाईकोर्ट द्वारा फरमावामां आव्यो छे। अने आगामी 8 एप्रिल ना रोज ज्यारे हाईकोर्ट पर सुनावणी हाथ धरवामां आवशे तेमां तमाम बाबतने लईने रजूआतो छे बंने पक्षो तरफथी ते गुजरात हाईकोर्ट में करवामां आवशे। जी, दिव्या, तो समग्र विगत आपवा बदल आपनो आभार।